रोड विधानसभा में इन दिनों दलित बस्ती के लोग बिजली ना होने के कारण खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि बिजली बिल जमा होने के बाद भी पिछले 4 महीने से उनके इलाके में बिजली नहीं है, जिसके कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज 30 परिवारों ने कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र के नेतृत्व में विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करने की मांग की। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने अधीक्षक यंत्री धर्मेंद्र पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पाटीदार ने पीड़ितों से ज्ञापन लेने के बाद उनकी समस्या को जल्दी दूर करने का आश्वासन दिया। अब देखना ही होगा कि दलित बस्ती में प्रशासन बिल जमा होने के बावजूद भी कब तक बिजली पहुँचाता है।